सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फैजल आलम ऑफिशियल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझसे बहुत मेरे सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आप एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाओ जहाँ पे हम सारे जुड़ सके, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली सारे के सारे व्हाट्सअप तो यूज़ करते ही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप इस व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाए, और साथ ही साथ में कोई सी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी लिंक मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर सकूँ, और साथ ही साथ में जो ओप्पो की न्यूज़ आएगी अपडेट से रिलेटेड और जो थीम की लिंक है वो आप सभी को सबसे पहले मिल पाए। तो जो भी ज्वाइन होगा उन सबको ये सब बेनिफिट होने वाले हैं, तो इसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। बट गाइस, मैं आपको बता दूँ, आप वहाँ पर मैसेज को सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मैं ही मैसेज सेंड कर सकता हूँ जो एडमिन है। तो अगर आपको कोई सी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर मेरा नंबर होगा प्राइवेट, मुझे मैसेज कर देना, मैं उसके रिप्लाई ग्रुप के अंदर दे दूंगा ताकि जिसे भी कोई सी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो आज की वीडियो होने वाली वो थोड़ी सी बेकार वीडियो होने वाली है ओप्पो यूजर्स के लिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे वेट हो चुका है ओवर, और बहुत सारे लोग मतलब इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कलर ओएस 6 कब आने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस तो गाइस बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ चुके थे, बहुत ही ज़्यादा हज़ारों की मात्रा में। बट गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कलर ओएस 6 के लिए अभी कोई सी भी अपडेट निकल के नहीं आई है, चाहे वो ओप्पो A5 हो, A7 हो, A3S हो, A5S हो, और बाकी जितने भी डिवाइसेस जिन्हें कलर ओएस 7 नहीं मिला, तो यार उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पे अपडेट मिलने के कुछ भी चांसेस नहीं लग रहे, और साथ ही साथ में कोई सा भी अपडेट निकल के नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मुझसे बहुत लोग भाई मैसेज पे मैसेज करे जाते हैं कि भाई मुझे बताओ कलर ओएस 6 कब आने वाला है, ओप्पो A5 में कब आएगा, इन सब बाकी डिवाइसेस कब आने वाले। तो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई सी भी न्यूज़ निकल के नहीं आ रही, तो मैंने आपको बता दिया, मैंने ओप्पो वाले से कॉन्टैक्ट किया, बाकी जितने भी ओप्पो के एडमिन हैं उन सबसे पूछा, उन सब ने यही बोला कि भाई अभी तक हमें कुछ अपडेट नहीं है। और यहाँ पे जितने सब्सक्राइबर उन सब ने भी पूछा था ओप्पो के ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कि भाई कब आने वाला है अपडेट, बट वहाँ पे रिप्लाई यही आता है कि जब आएगा अपडेट तो हम आपको कनेक्ट कर देंगे, मतलब कि हम आपको ट्यून कर देंगे कि हाँ भाई अपडेट आ चुका है। तो बट यहाँ पे अभी तक देख सकते हैं, यहाँ पे दिसंबर आ चुका है और अभी तक अपडेट रिलीज़ नहीं हुआ। एंड आप अभी के लिए इस अपडेट के बारे में भूल जाओ, क्योंकि ये अपडेट अभी नहीं मिलने वाला है, और मे भी हो सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर ये आपको प्रोवाइड कर दे, क्योंकि ये धीरे धीरे सभी फ़ोन्स को अपग्रेड कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा ओप्पो F7 अभी बहुत ज़्यादा लोअर ग्रेड में चल रहा था, और देख सकते हो उसे अब कलर F6 भी मिल चुका है, एंड 7 भी मिलने वाले बहुत ही जल्द। तो कह सकते हैं ओप्पो E3S को भी आने वाले कुछ सालों में मिल सकता है। बट गाइस मैं आपको बता दूं, अभी के लिए तो कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी ओप्पो E5 सीरीज़ के लिए कोई अपडेट नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये कोई खास वीडियो तो है नहीं, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे DM आते रहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं अभी के लिए कोई अपडेट नहीं है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को दोबारा मत पूछना। तो आई होप यू अंडरस्टूड, और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ओप्पो से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतनी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, शेयर कर देना जो भी इस सवाल का आंसर ढूंढ रहे। तो आज की वीडियो में इतनी, और टिल देन गुड बाय।